बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त हैं मेरे भाई हैं, छोटे बड़े सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से आज फिर मैं एक अपने भाइयों के लिए और नुस्खा लेके आया हूँ जो बहुत मुजरब और बेहतरीन किस्म का नुस्खा है लकोरिए के लिए। और ये चार डब्बी का कोर्स है, सुबह शाम दो वक्त ये कैप्सूल दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। खाना खाने के बाद डेढ़ घंटा खाना खाने के बाद दूध के साथ इसको इस्तेमाल करवाएं। जिन लड़कियों को ख्वातीन को लकोरिए का मसला है, जितना भी ख़तरनाक लकोरिया है जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इंशाल्लाह ये जो चार डब्बियाँ खाएंगी ख्वातीन तो इंशाल्लाह उसका दोबारा लकोरिए का मसला नहीं रहेगा। और बिल्कुल ये सस्ता है, ये भी आपको हाफ कीमत में मिलेगा। ये देखें जी, इसके ऊपर है कीमत लिखी हुई है 224 रुपये, 224 रुपये। ये भी माशाल्लाह बेहतरीन है। और मेरे प्यारे भाई, जिन दोस्तों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वो मेरे दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो हो तो मेरे प्यारे भाइयों के पास वो पहुंचे और मेरे दोस्त उससे फ़ायदा उठाएं। अगर कोई भी मंगवाना चाहे अपने दुआ खाने पे या कोई ख्वातीन मंगवाना चाहे तो ये कैप्सूल जो है वो मंगवा सकते हैं और 12 डब्बी की पैकिंग में ही ये आएंगे। ठीक है जी, ये सबसे नुस्खा सस्ता है और इसके काम और इसके बेनिफिट बहुत अच्छे, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं माशाल्लाह। ये हमारे आजमाए हुए नुस्खे हैं और बेहतरीन नुस्खे हैं। ये कंपनी भी आप देख लें, आपके सामने है। और ये कैप्सूल आप सुबह शाम दो वक्त खिलाएं, अल्लाह के हुक्म से ये दोबारा लकोरिए का मसला नहीं होगा। ये भी आप चेक कर लें, इसकी प्राइस भी मैंने चेक करवा दी है। और माशाल्लाह आगे कोई किसी तरीके से भी आपको इन देसी नुस्खा जात से कोई भी आपको इनके मुतलक नुस्खा जात यानी कि पूछना हो या मंगवाना हो तो आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं मुझसे, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपका भाई हूँ और मेरा हक बनता है कि अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ रहनुमाई करूँ और अपने प्यारे भाइयों के साथ मिल के चलूँ। तो लो जी, आज की हमारी ये वीडियो थी, इसको भी आप चेक कर लें। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।